कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में हिंदुस्तान के समर्थन में ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी और कोरोना के बिगड़ते हालात पर पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री इमरान खान से संकट के इस घड़ी में मदद देने का आग्रह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, हैशटैग इंडिया नीड ऑक्सीजन, हैशटैग पाकिस्तान विद इंडिया, हैशटैग इंडियन लव्स मैटर ट्रेंड कर रहे हैं। पत्रकार वजाहत काजमी हैशटैग इंडिया नीड ऑक्सीजन हैशटैग से ट्वीट करते हैं कि भारत की स्थिति दिल दहला देने वाली है, कोविड से हर कोई ठीक हो, भारत के लिए दुआएं। तो वहीं उस्मान खिलजी नाम के पख्तून सामाजिक कार्यकर्ता ने ट्वीट करके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से भारत की मदद करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, मैं हजारों पाकिस्तानी नागरिकों के साथ सरकार से अपील करता हूं कि वो भारत के अस्पतालों में कम पड़ रहे ऑक्सीजन के मामलों में मदद करें। पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड में हैशटैग इंडिया नीड्स ऑक्सीजन और हैशटैग इंडियन लाइव्स मैटर का देखना खुशी की बात है। ये दिखाता है कि लोगों के दिल सही जगह पर हैं। इसके अलावा डी कमल नामक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने मतभेद को अलग रखकर जिंदगियों को बचाने के लिए जिन सप्लाई की जरूरत है उसके लिए भारत की आगे बढ़कर मदद करेगा। तस्वीरें और रिपोर्टें दिल तोड़ने वाली हैं, मानवता पहले है। इस बीच पाकिस्तान के समाजसेवी अब्दुल सत्तार इदी के बेटे फैसल इदरी ने हिंदुस्तान के पीएम मोदी को खत लिखा है और भारत में बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जता मदद की पेशकश की है। फैसल ने अपने खत में लिखा है कि हम इदी फाउंडेशन में भारत के लोगों पर पड़ रहे कोरोना संकट के असर को देख रहे हैं। हमें जानकर दुख हुआ कि महामारी का आपके देश पर इतना ज्यादा असर है जहां बड़ी संख्या में लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी सेवा के साथ साथ 50 एम्बुलेंस की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में मेडिकल टेक्नीशियंस, ऑफिस स्टाफ, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं और इनकी सभी जरूरतों को फाउंडेशन ही पूरा करेगा। इसका बोझ भारत पर नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने भारत आने की इजाजत और स्थानीय के साथ साथ पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि गंभीर इलाकों में मदद के लिए टीम भेजने के लिए वो इच्छुक हैं। फैसल खुद इस टीम को लीड करते हुए भारत आना चाहते हैं और इजाजत मिलते ही रवाना होने की तैयारी है। उन्होंने साफ किया कि इस सेवा के बदले वो भारत पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डालेंगे। बता दें कि देश में कोरोना लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक दिन में रिकॉर्ड 3.46 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,62,63,695 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार तक के आंकड़ों के मुताबिक 24 लाख से अधिक लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं। देश में 2,263 और लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 1,86,920 पर पहुंच गई है। तो वहीं पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अस्पतालों पर धीरे धीरे बोझ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 5,870 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसके कारण 144 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक तकरीबन 57 मौतें पंजाब प्रांत में हुई हैं। देश के तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि पड़ोसी देश की इस दरियादिली को भारत कैसे देखता है और फिर दोनों देश कैसे इस महामारी से पार पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।